अंबरपेट के पूरे आल पार्टीज़ के और MIM के, ख़ास तौर पे MIM के सीनियर कायदीन यहाँ पर आकर जो MIM पे एलिगेशन लगा रहे, MIM रोक रही, MIM के लोग काम नहीं कर रहे, भाई मैं आप लोगों को यही आपसे गुजारिश है, यह MIM का एक का काम नहीं है, पूरी कौम का काम है, कौम का फ़ायदा उठा लेने का इससे। यहाँ पर काम जो हो रहा है पहल हम ही करें, MIM के लोग ही करें, करके MLA साहब से रिप्रेजेंटेड करके यहाँ काम शुरू करें। माशाल्लाह काम पहले यहाँ आके पहले नहीं देखे, ज़मीन कैसी है क्या है आप लोगों को नहीं मालूम, गुमराह करके लोग गलत गलत वीडियो डाल रहे हैं। यहाँ पर काम स्लो हो रहा, इसकी वजह से स्लो हो रहा कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, करंट की सहूलत नहीं है, या पानी इम्पॉर्टेंट रहता, पानी क्या है टैंकरों से ला रहे, जनरेटर से ला रहे, लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर कोई रह नहीं सकते, बाजू कचरे के डैम्प है, यहाँ पे डंप है कचरे का, वहाँ पर पूरे कचरे के इतने चोरा आते रहते, यहाँ पर जो भी चीज़ रखे उठा लेके चले जा रहे, जो भी कुछ भी करे चले जा रहे, लेबर भी यहाँ पर डर की वजह से यहाँ पर लेबर जो भी दो एक कंट्रैक्टर जो अपना काम मुकम्मल नहीं करके चले गया बोल के, बोल बात दुरुस्त है, मगर वो काम इसलिए रुक गया और नहीं चला, ज़रा दो दुश्वारियाँ आए कि यहाँ पर लेबर नहीं दिख रहा और उनको लाइट की सहूलत नहीं है। हम बार बार MLA साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि MLA साहब आप यहाँ पर करंट का इंतज़ाम करिए, करंट आ गया तो यहाँ सब मसला हल हो जाता और यहाँ पर तफ्तीश भी शुरू हो जा सकती, तो इसलिए हम यहाँ पर सब आए हैं। ये रोमर्स जो बातें चल रहे हैं ये बातें गलत है, मनगढ़ बातें बना के सब इधर बदनाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो भी होगा, ये ज़मीन कैसा भी अपने को मिल गई, कोई किसी की मजाल नहीं है, यहाँ ज़मीन तो जा ही नहीं सकती, पूरे प्रोसीडिंग्स है और सब हमारा, यहाँ पे हर सर्वे नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो जो भी बातें बोल रहे गलत बातें बोल रहे, यहाँ हर चीज़ है, प्रोसीडिंग है, वाटर वर्क्स वाले GHMC के हैंड ओवर कर दिए, GHMC कंट्रैक्टर को बुला के अपना कंट्रैक्ट दे के इसका कंट्रैक्टर से काम करा रही, अब यहाँ पर काम जारी है, स्लो है, ये तो हम हमारी बात को हम दुरुस्त समझते हैं कि स्लो हो रहा, स्लो होने की वजह आपको जो बताए वो है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पर कैसा था आप लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे आहिस्ता 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 डेवलपमेंट दिख रहा, लोग आके यहाँ ठहर रहे दिख रहे यहाँ पे, मगर पहले नहीं था, उसकी वजह से लेट हुआ, फिर इलेक्शन कोड आया बोल के लेट हुआ, फिर लेबर अभी ईदें आए, वो उसमें काम पेंडिंग हो रहा। इंशाल्लाह हम आकर जायज़ा लिए, कल से है ना दूसरा कंट्रैक्टर, जो कंट्रैक्टर है ना उन्होंने आके वो दिन उन्होंने भी बोले मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ साहब, थोड़ा करंट का प्रॉब्लम है, करंट का बोले तो करंट का भी बात करें, करंट का भी इंशाल्लाह हो जाता, खम्भे खरीब में तक आए, यहाँ तक आ गए तो खम्भे, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है बोल के बोले, वो सेपरेट रहता है, ये कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं थे, कंट्रैक्टर जहाँ करंट रहा वहाँ से उन्हें पोल पे कुछ भी इलीगल भी हो डाल लेके उन्हें काम चालू करा सकता था, मगर यहाँ पे डालने के लिए वायर बहुत दूर है, तकरीबन एक 15-20 खंभे होने की ज़रूरत है। यहाँ पर बाउंड्री वाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाउंड्री वाल का काम तकरीबन हो चुका है, और आजुक बाजुक भी है ना, थोड़े रहते दुश्वार यहाँ पर नहीं मानते जो करते, फिर सर्वे का भी है ना, जो कनिया मट्टी डालने में गिर गए, कैसा गिर गए, फिर हमारी ज़मीन हमारे को कोने में नहीं दिख रही थी, तो इसलिए आज आए हम देख लिए, तो कल हमारा ओरल जो सर्वे होगा कल या परसों देख के हमारी बाउंड्री पे हम टीना वगैरह फिक्स कर देके हमारा काम जारी रखेंगे। आप गलत फहमी में मत जालिए, ये शर फैलाने वाले शर फैलाते रहते, बहरहाल अब तदफीन भी इंशाल्लाह जहाँ पर जहाँ पर सीधी जगह और जहाँ लेवल हो चुकी है वहाँ से एक तरतीब बना के इंशाल्लाह तदफीन भी हो जाएंगी और आप लोगों को GHMC से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अब जो भी है लोग यहाँ पर आके थोड़े परसों दो चार लोग आए थे, हमारे इंतकाल हुआ कहीं जगह नहीं मिले तो हम लोग बताए थे यहाँ पर तदफीन करो बोले, तो लोग देख के चले गए। अब वो आवाम से यही गुजारिश है आप लोग घबराइए मत, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा GHMC से डेथ सर्टिफिकेट। आप लोग कोई भी अगर किसी के भी तदफीन करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ी पूरे नहीं रोज़ाना नहीं डेली नहीं कर सकते, जिसको जहाँ पर जगह नहीं मिली पुराने कब्रिस्तान में वैसे लोग कंटेक्ट हुए आकर, हम यहाँ पर लेवल जगह है वहाँ ले बताएंगे जगह, वहाँ पे आप तदफीन कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।